डार्लिंग, अपना रूम तो दिखाओ मुझे। बहुत जिद करने लगी हो तुम भी। तुमने मेरा सारा कमरा देखा तो था। अच्छा अरे मेरी जान, फिर से दिखा दो ना। ओके ओके दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी अलमारी है। अंदर देखना जरूरी नहीं। और यहां मेरी तस्वीरें लगी हैं। ये मेरा बेड है। ऐसे एक बात है, मैं सोच रहा था कि इस बेड पे तुम लेटी हुई कितनी प्यारी लगती होगी। बस तुम सोचते ही रहना। इतनी मोहब्बत करते हो ना मुझसे, तो अपनी माँ को भेजो मेरे घर। मैं पहले घर पे बात तो कर लूं। बस अब मौत पड़ गई। अब फिर चलाने को शेर, और शादी का नाम सुनते ही बत्ती गुल। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम भी ना फजूल की बातें करती हो बस। अच्छा जब मैं अब आऊंगी ना, तो मुझे लकी वन मॉल लेके जाना, ठीक है? और बहुत सारी शॉपिंग। वैसे मैंने आदिल को ना कॉल करके सब बता दिया। वो भी कह रहा था कि रजा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। शुक्र है आदिल ने तस्दीक कर दी, वरना मैं तो रजा साहब से वाकिफ ही नहीं हूँ। क्या हो गया आप ही? आदिल की बात पे चिढ़ क्यों गई आप? मैं क्यों चिढ़ूंगी? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आज से 2-4 हफ्ते पहले तक जब आदिल यहाँ था तो तुम्हारा पक्का दुश्मन था, और अब हर वक्त तुम उसे फोन करती रहती हो। तो और किसे करूं फोन? जब से वो गया है मैं अकेली हो गई हूं। और आप फिक्र नहीं करें, आपके प्यारे आदिल के फोन पे टांग नहीं खींचती मैं। हाँ, क्योंकि फोन पे टांग खींची नहीं जा सकती। जब से रजा साहब से आपकी शादी की बात हुई है ना, आप बहुत तेज हो गई। वैसे एक बात तो माननी पड़ी, आप दोनों साथ लगेंगे बहुत अच्छे। अच्छा दादी अम्मा, तुम ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत किया करो। वाह भाई, मतलब तारीफ कर दे तब भी क्षमा बुरी, और अगर तनकीद कर दूं तो क्षमा तो है ही बुरी, है ना? नहीं मेरी बहन, तो बिल्कुल बुरी नहीं है, बस बादल जा रहा है शरारत करने को, हंसने को। देखिएगा, रजा साहब से शादी के बाद आप हमेशा हंसती रहेंगी। दादी अम्मा हूं, दुआ तो दूंगी ना। अब चलें जल्दी करें, आपके होने वाले वो और सास आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ।